पहले कॉलम में लिखेंगे स्टेशन, दूसरा में हो जाएगा डेप्थ, DEPTH डेप्थ, फिर होगा मेन डेप्थ, DEPTH मेन डेप्थ के बाद टॉप विथ, उसके बाद बी डी, बी डी का मतलब बी इजुगल टू विथ होता है चौड़ाई, और डी मतलब डेप्थ, फिर एच डी स्क्वायर स्लोप और डेप्थ द होल स्क्वायर, इंटरवल इंटरवल और क्वांटिटी, क्वांटिटी स्टेशन हो गया, डेप्थ हो गया, मेन डेप्थ हो गया, टॉप विथ हो गया, बी डी हो गया, एच डी स्क्वायर हो गया, और इसमें होगा एक बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, क्वांटिटी, ठीक। तो इसमें स्टेशन हो गया आपका मान लीजिए 0, फिर उसके बाद 20, हम 20 मीटर पे ले लेते हैं, फिर 40, फिर 60, इस टाइप से, और ए हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, एल एच एस, और ए हो जाएगा आर एच एस। तो हमने जब लेवल उठाएंगे तो लेफ्ट साइड का एक डिप आएगा और राइट साइड का एक जो ओजीएल हम लिए थे तो उसका ओजीएल में से और उसका रोड का जो लेवल है उसमें से घटा देंगे तो ये लेवल आएगा आपके पास, तो डिप डेप्थ आएगा, ठीक। तो इसमें मान लीजिए जो हमने घटाया था, मान के चलिए मेरे पास तो अभी हम डाटा खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, तो इसमें से हम ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो 0.250 तो लेफ्ट साइड का आया, तो राइट साइड का मान लीजिए 0.355, ठीक। तो इसमें 0.12150, 0.135, 0.180, इसका भी राइट साइड का 0.111, 0.5, 0.56, 0.35, सॉरी इसको छोड़ दीजिए। तो इसमें हम आपको इसका कैलकुलेशन जो होता है, जैसे मेन डिप जो है तो इसका फॉर्मूला है, फर्स्ट ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड इजुकल टू फर्स्ट ब्रैकेट एलएचएस प्लस आरएचएस, ब्रैकेट क्लोज, फिर भागा टू, इजुकल टू आ गया आपके पास इसका लेवल, इसका डेप्थ आ गया, दोनों को मिला के दोनों को प्लस करके 2 से भागा दे दिया, तो इसको हम नीचे, तो एक फॉर्मूला में ए आ गया, ठीक। और टॉप विथ चौड़ाई, तो एग्जिस्टिंग रोड मान लीजिए मेरे पास 6 मीटर का एग्जिस्टिंग रोड है तो हमको बनाना है 9 मीटर, तो कितना बढ़ाना है ना, हमको 1.5 मीटर लेफ्ट साइड में बढ़ाना है और 1.5 मीटर राइट साइड में बढ़ाना है, तो टोटल कितना हो गया, 1.5 1.5 3 मीटर हो गया, तो
जब हम फाइनल लेवल जब फाइनल हम क्वांटिटी जब निकालेंगे तो उसके लिए हमको साइड वाला जो वो कितना मिट्टी फिलिंग कितना अर्थ फिलिंग कर रहा हो तो उसको हमको देना पड़ेगा टोटल चौड़ाई। तो इसमें हम दे दिया 3 मीटर, क्योंकि 1.5 मीटर लेफ्ट साइड और 1.5 मीटर राइट साइड, और ये 3 मीटर हम सब में डाल देता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, बीडी निकालने के लिए हमको बी मतलब विथ मतलब चौड़ाई, और डी इजुगल टू डेप्थ होता है, डी का फुल फॉर्म डेप्थ, ठीक। तो इसको निकालने के लिए इजुगल टू मेन डेप्थ जो है इसमें से हम इंटू कर देंगे चौड़ाई इक्वल टू एंटर, तो ये भी हम इसमें कर लिए। और एच डी स्क्वायर का मतलब होता है साइड सॉरी स्लोप डेप्थ, तो इसको हम 2 इंटू 2 इंटू मेन डेप्थ एच डी स्क्वायर इजल टू 2 इंटू मेन डेप्थ इंटू फिर से मेन डेप्थ एंटर। तो एच डी स्क्वायर निकल गया, अब बी डी प्लस बी डी स्क्वायर एच डी स्क्वायर इजल टू इसका फॉर्मूला तो लिखा हुआ है ए प्लस ए भी निकल गया, आगे जितना बढ़ रहा है जो उतना हम बढ़ा सकते हैं, ठीक। इंटरवल 20 मीटर लगा, पहले 0 फिर 20 20 20, और क्वांटिटी के लिए इजुकल टू इंटू 0 तो नहीं लेगा, एक नीचे वाला निकाल लेते हैं, ए तो मेरा क्वांटिटी निकल गया हर एक चेंज का। अगर प्लस आएगा तो इसमें फिलिंग है, अगर जहाँ माइनस आएगा तो वहाँ पे ठीक है उसमें माइनस प्लस प्लस है, कहीं प्लस आएगा कहीं माइनस आएगा, तो कटिंग फिलिंग इसी में आ जाएगा। अगर टोटल ऐड करना है तो इसको टोटल करके सम आ जाएगा, इतना क्वांटिटी आ गया। तो हर एक चीज का एक अलग अलग क्वांटिटी चेंज पे दिखा देगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और आगे हम और भी वीडियो